एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो ये खड़ी अपनी स्कॉर्पियो एंड आपने देख लिया एक्सटीरियर से पूरी कन्वर्ट हो चुकी है। अभी जैसे हम लोगों ने इसके एक्सटीरियर में यूनिक काम किया भाई, तितली वाला लोगो लगाया, कोशिश करेंगे कि इसका इंटीरियर भी वैसा ही कुछ कन्वर्ट करें, अच्छा काम करें, कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे कि नया वाला लोगो अंदर भी लगा पाएं। बाकी अब बारी आ गई है इसके इंटीरियर के कन्वर्ट होने की। अभी मैं आपको पूछवा देती हूँ कि इसमें होने क्या क्या वाला है। पहले ना एक बार आप इंटीरियर का हाल देख लो कैसा हो रखा है। बेहद बेहद गंदा इंटीरियर हो रखा है इसका, और उसके ऊपर से हमने साफ करवाई थी और गंदी हो गई है बारिश करके। भैया आप ये बता दो कि इसमें क्या क्या काम करने वाले हो इंटीरियर में अभी आप। और यार आज आपको इनकी थोड़ी शक्ल उतरी उतरी नजर आ रही होगी क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी ढीली है, क्योंकि ये हमें बिना बताए बिना पूछे मसूरी गए थे तो इनके बुखार चढ़ गया जल्दबाजी के चक्कर में। एनीवेज अभी बताओ इसमें करने क्या वाले हैं। एक तो इसका डैशबोर्ड चेंज करेंगे, सेंटर कंसोल चेंज करेंगे और साइड के सारे पैनल चेंज होंगे। और वैसे इस मॉडल के अंदर हम करते नहीं साइड के पैनल चेंज, लेकिन इसके जो पैनल हैं ये फटे हुए हैं, टूटे हुए हैं पूरे, तो ये पैनल चेंज करेंगे। प्लस स्टेयरिंग चेंज होगा और ये सेंटर कंसोल का जो उसका फ्रेम आता है वो लगाएंगे। और मतलब डैशबोर्ड कंप्लीट होगा, स्टेयरिंग होगा और मीटर की ऑल्ट्रेशन, डैशबोर्ड की ऑल्ट्रेशन और साइड के पैनल्स हो गए और सेंटर कंसोल हो गया, एसी वेंट हो गया और जो ये इतना चेंज तो इसलिए वो कर नहीं रहे। वो सिर्फ मीटर मीटर के ऊपर ना वर्थ नहीं है 80,000 लगाना, तो इसलिए हम किसी कस्टमर को भी सजेस्ट नहीं करते कि पूरा इंटीरियर भी 80,000 और लाख रूपए करे और स्पेसिफिक एक मीटर के लिए 80,000 खर्चे। तो ये आप यहाँ से भी देख रहे होगे कैसा बुरा हाल हो रखा है इसका। नीचे वाला जो आप कंबल देख रहे हो ये भी पूरा ना ऐसे रोटन सा हो चुका है, मिट्टी कीचड़ सब लग रखा है इस पे। तो ये तो मुझे चेंज करवाना ही था, वो अलग बात है हम थोड़ा सा डिले हो गए। और एक सबसे मस्त चीज हमारी गाड़ी में जो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, हमारी गाड़ी ड्यूल कलर में, आगे से ब्लैक है और यहाँ पे बेज कलर में है, तो ये भी सब मुझे बदलवाना है। एक बार आप हाल देखो कितना बुरा हाल हो रखा है, आपको दिख रहा होगा मतलब ना बेज कलर होगा ये, और ये कलर का हाल देखो, आप देखोगे ना आपको समझ नहीं आएगा कि ये कलर बचा कौन सा है अब। और मुझे पता है अभी कमेंट सेक्शन में फिर से एक ही बात आएगी, अलॉयज। मुझे भी पता है मुझे डलवाने हैं, मुझे बहुत पसंद है अलॉयज लगी हुई गाड़ी में, लेकिन अभी जैसे ही इंटीरियर खत्म होगा ना वैसे ही अलॉयज डलवा लेंगे अपने। और यार इसके ना चारों गत्ते भी चेंज होंगे क्योंकि ये देखो कैसे टूटे पड़े हैं, ऐसे छोटे मोटे क्रैक्स चारों ही गत्ते पे कहीं ना कहीं है और उसके ऊपर से ये मैला भी काफी हो रखा है, तो ये भी चेंज करवाना है मुझे। जरा यहाँ से भी एक बार हाल देख लो, कीचड़ मिट्टी, मतलब बहुत ओल्ड ओल्ड वाइब दे रहा है अभी ये। और जितना अभी ये ओल्ड वाइब दे रहा है ना इसको उतना ही अच्छा और प्रीमियम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो क्लिप है हम कुछ टाइम बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्चुअली जब ये वीडियो बनी थी तब हमें आइडिया नहीं था कि हम कुछ इतना इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। जैसे ही ये चीज मतलब मुझे पता चली कि हाँ हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, तो मैंने कहा भाई ये तो अपनी गाड़ी में करना ही करना है, और वो हमने कर दिया है। जैसे ही आप आगे वीडियो देखोगे मतलब सीरीज देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा हमने कुछ ऐसा काम किया है जो इंडिया की किसी भी स्कॉर्पियो में पहले नहीं हुआ है, वन इन इंडिया काम हुआ है। तो भाई प्लीज सीरीज जरूर से देखना, सुपर इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यार मुझे ना एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि लोग स्क्रैच क्यों मार जाते हैं, ये देखो जान करके मारा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी पूरा स्क्रैच मारा हुआ है, ये देखो पूरा एंड तक जा रहा है, ये देखो पास से भी दिखा देती हूँ एक बार आपको, पीछे भी दिखाती हूँ, मतलब समझ नहीं आता ऐसा करते कि मैं यहाँ पे भी मार रखा है। और ये सारे ना जान करके स्क्रैच मारे हुए हैं यार, पता नहीं लोग ऐसा क्यों कर देते हैं, बड़ा दुख होता है मुझे ये सब देख के। और कुछ इसी तरह से जैसे मेरी गाड़ी पे काम किया हुआ है वैसे ही ध्रुव भैया की, तो मतलब विंडशील्ड ही तोड़ गए, उसके ऊपर पूरा ऐसे क्रैक का निशान था और इको स्पोर्ट का भी शीशा तोड़ गए, पता नहीं भगवान जाने लोग पता नहीं लोग चिढ़ते क्यों है, मुझे तो समझ नहीं आता भाई। चिढ़ते भी हैं तो गाड़ी पे क्यों निकालते हो, इतनी मेहनत की चीज होती है ये, मतलब वन टू वन सामने आके बात कर लो भाई, वहाँ पे खुंदस निकाल लो, ये गाड़ी क्यों खराब करते हो हमारी। तो इस पे ना पूरी सीरीज कम्प्लीट अगेन आने वाली है, इंटीरियर इसका ना हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो ना ये आपको अपडेट देने के लिए थी, आज से हम लोग काम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने बताया भैया की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ज़बरदस्ती वीडियोस बनाने का कोई सेंस नहीं था। तो बस मैं आपको अपडेट देना चाहती थी कि फाइनली इसका जो इंटीरियर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, और मैं एक एक प्रोसेस दिखाऊंगी, जो जो सामान इसमें लगेगा वो लोग हम लेके आएंगे वो आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा इसको पूरा टीयर डाउन होते हुए आपको दिखाऊंगी, उसके बाद सारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस यार अब आपको इस पे इंटीरियर की वीडियोज़ मिल जाएगी। आज की वीडियो को ना हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, बहुत सारा सपोर्ट करना।